Hello friends, I am back with another video and in this video I'll be explaining you with domestic income. हमारा national income chapter चल रहा है and I believe कि ये हमारे chapter का चौथा video है. इस video में मैं आपसे discussion करने वाला हूँ domestic income की और उसके constituents की. हम अपन इसमें अपन इस video में discuss करेंगे domestic income, private income, personal disposable income. तो सबसे पहले मैंने आपको last video में बताया था कि अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है domestic income, तो विद द टर्म डोमेस्टिक इनकम ही मीन्स NDPFC. डोमेस्टिक इनकम का मतलब ही है NDPFC का वो बातचीत हो रही है. तो सबसे पहले देखिए NDPFC मतलब कि डोमेस्टिक इनकम. तो देखिए डोमेस्टिक इनकम मतलब वैसी इनकम जो हमारे कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर से जनरेट हुई हो. तो वैसी इनकम जनरेट करने के दो सोर्सेस हैं. आप जानते हैं कि किसी भी कंट्री में दो सेक्टर है. ऐसे तो अलग अलग बेसिस पे अलग अलग क्लासिफिकेशन है, जैसे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, सर्विस सेक्टर. वो सेक्टर्स नहीं, जो ये जो है ओनरशिप के बेसिस पे, जैसे कि एक प्राइवेट सेक्टर और एक पब्लिक सेक्टर. किसी भी कंट्री में दो ही सेक्टर पॉसिबल है, क्या तो प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर. ठीक है, कई कई जगह पे पब्लिक सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर मतलब पब्लिक सेक्टर है ही नहीं. कई कई जगह पे प्राइवेट सेक्टर ही नहीं है, लेकिन इंडिया जो कि मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो कर रही है, वहाँ पे पब्लिक सेक्टर भी है, प्राइवेट सेक्टर भी है, दोनों बिजनेस करता है, मिक्स्ड इकोनॉमी है. तो देखिए NDPFC का दो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, दो चीजें, दो पार्ट्स होती है. पहला पार्ट होता है इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर, या डोमेस्टिक इनकम अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर. इसको ऐसे भी बोलते हैं, इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर. तो ये वैसी इनकम है जो प्राइवेट सेक्टर की इनकम है. ठीक है, NDPFC का दो पार्ट, पहला पार्ट वैसा इनकम जो प्राइवेट सेक्टर ने कमाया है, दूसरा पार्ट वैसा इनकम जो गवर्नमेंट सेक्टर ने कमाया है. डोमेस्टिक इनकम अक्रूइंग टू गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर, या फिर इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर. तो NDPFC के दो पार्ट होते हैं, इनकम अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर, इनकम अक्रूइंग टू गवर्नमेंट सेक्टर. अब देखिए आपके क्वेश्चन में अगर NDPFC कैलकुलेट करना है इस मेथड से, जिसमें तो वहां पे डोमेस्टिक इनकम अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर और डोमेस्टिक इनकम अक्रूइंग टू गवर्नमेंट सेक्टर दिया रहेगा, आपको क्या करना है, बस दोनों को जोड़ देना है और आपका NDPFC निकल जाएगा. कई दफा क्या होता है कि डोमेस्टिक इनकम अक्रूइंग टू गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर नहीं दिया है, इसके बदले में ये दोनों चीजें दी रहती है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ डिपार्टमेंटल इंटरप्राइजेस और सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल इंटरप्राइजेस. अब देखिए गवर्नमेंट सेक्टर में भी दो तरह के इंटरप्राइजेस होते हैं, एक डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स और एक नॉन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स. तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स की भी इनकम जोड़नी है और नॉन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स की भी इनकम जोड़नी है. नॉन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स क्या है, वो सेविंग्स करती हैं, जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स हैं वो काम करती हैं, एंटरप्रेन्योरल इनकम जनरेट करती हैं. तो क्या तो NDPFC कैलकुलेट करना है तो आपको डोमेस्टिक इनकम अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर दिया होगा और डोमेस्टिक इनकम अक्रूइंग टू गवर्नमेंट सेक्टर दिया होगा. अगर ऐसा नहीं है तो ये IPS तो दिया ही दिया होगा, मतलब डोमेस्टिक इनकम अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर तो दिया ही होगा, साथ में डोमेस्टिक इनकम अक्रूइंग टू गवर्नमेंट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर ना दिया होगा, तो इसके बदले में ये दोनों चीजें दी होगी, सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल इंटरप्राइजेस और इनकम जनरेटेड फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप एंड फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑफ डिपार्टमेंटल इंटरप्राइजेस. तो अब देखिए किसी क्वेश्चन में अगर IPS और IGS दिया, मतलब इनकम फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर और इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट सेक्टर दिया, तो इस दोनों को जोड़िए NDPFC निकल गया. किसी क्वेश्चन में सपोज करते हैं डोमेस्टिक इनकम अक्रूइंग टू पब्लिक सेक्टर नहीं दिया है, तो उस क्वेश्चन में इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ डिपार्टमेंटल इंटरप्राइजेस और साथ में सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल इंटरप्राइजेस दिया रहेगा. तो इस केस में क्या कीजिएगा कि इस दोनों को जोड़ के ये निकाल लीजिएगा और फिर इसको और इसको जोड़ के ये निकाल दीजिएगा, मतलब इसको और इसको जोड़ के IGS निकालना है और IGS IPS को जोड़ के NDPFC निकालना है. हाउ सिंपल इज इट, कितना आसान है. और तभी भी बहुत सब स्टूडेंट्स टेंशन रहते हैं, फ्रेंड्स मेरे सब टेंशन में रहते हैं. चलिए कोई नहीं, अपन कंटिन्यू करते हैं. तो यहाँ पे जो बात आई वो आई नेट, वो आई डोमेस्टिक इनकम की. अब देखिए डोमेस्टिक इनकम में गवर्नमेंट की तो इनकम की सिर्फ और सिर्फ एक यही सोर्सेज है कि आपने सेविंग्स वगैरह आपने देख लेनी है, डिपार्टमेंटल इंटरप्राइजेस का जो आपका इनकम आपने जनरेट किया है वो देखना है. लेकिन प्राइवेट इनकम का दायरा जो है वो थोड़ा सा बड़ा है. प्राइवेट इनकम वो तो हमने देखा कि हमने इंडिया से कितना प्राइवेट इनकम कमाया है,
ठीक है ना। अब हम देखेंगे कि हमने एक्चुअली में ओवरऑल कितना प्राइवेट इनकम कमाया है, चाहे वो इंडिया से हो चाहे वो इंडिया के बाहर से हो। तो इस केस में अपन पांच चीजों को जोड़ते हैं। पहला जो चीज है वो अभी अपने हमने पढ़ा, इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर। हमने प्राइवेट सेक्टर की इनकम ले ली, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर की इनकम में क्या करना है, अब आपको इसमें ट्रांसफर पेमेंट भी जोड़ना है और इसमें आपको यूनिलैटरल पेमेंट्स भी जोड़ना है, बायलैटरल पेमेंट्स भी जोड़ना है, मतलब फैक्टर रिसीट्स भी लिखने हैं और ट्रांसफर रिसीट्स भी लिखना है, फैक्टर इनकम भी लिखना है, ट्रांसफर इनकम भी लिखना है। तो सबसे पहले तो इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू प्राइवेट सेक्टर, ये क्या है, ये एक तरह का फैक्टर इनकम है। इसके बाद में क्या है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी हम इसमें लिखते हैं। क्यों, क्योंकि सिर्फ इंडिया में तो हमारे प्राइवेट सेक्टर काम कर नहीं रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर तो है नहीं कि सिर्फ कंट्री के अंदर काम करेगी, ये प्राइवेट सेक्टर है, ये कंपनी के बाहर भी काम करता है, कंट्री के बाहर भी काम करता है। तो कंट्री के बाहर से जो इनकम आती है उसको अपन NFIA से लिखते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कि अब्रॉड से हमने कितना फैक्टर इनकम कमाया। इसके बाद में क्या है, इसके बाद में करते हैं अपन नेशनल डेप्ट इंटरेस्ट, नेशनल डेप्ट इंटरेस्ट। अब देखिए नेशनल डेप्ट इंटरेस्ट क्या है, कि कई दफा गवर्नमेंट सेक्टर को पैसे की जब जरूरत रहती है तो गवर्नमेंट सेक्टर प्राइवेट सेक्टर से लोन लेता है। तो प्राइवेट सेक्टर से लोन लेता है किस बेसिस पे लोन लेता है, तो टी बॉन्ड्स के बेसिस पे, सिक्योरिटीज के बेसिस पे, अलग अलग बॉन्ड्स वगैरह के बेसिस पे लोन लेता है। तो उस लोन के बदले में क्या करती है, गवर्नमेंट जो है प्राइवेट सेक्टर को इंटरेस्ट देती है। तो ये क्या है कि अपन इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू प्राइवेट सेक्टर जोड़ते हैं प्राइवेट इनकम कैलकुलेट करने के लिए। प्राइवेट इनकम कैलकुलेट करने के लिए उसमें NFIA जोड़ते हैं, कि जो हमने बाहर से कमाया, प्राइवेट सेक्टर ने जो बाहर से कमाया, उसके बाद में हमने जो सरकार को पैसा दिया था उसके बदले में जो हमको इंटरेस्ट मिला सरकार से, जो हमको हमारे द्वारा दिए गए पैसे पे जो इंटरेस्ट मिला उसको जोड़ते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हमको सरकार कई दफा प्राइवेट सेक्टर को यूनिलैटरल पेमेंट्स भी करती है, मतलब करंट ट्रांसफर भी करती है, ठीक है, करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट। कई दफा प्राइवेट सेक्टर को गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट्स भी करती है, जैसे सब्सिडीज देती है, कई तरह की स्कीम्स हैं उसके तहत बहुत तरह का बेनिफिट्स पहुंचाती है प्राइवेट सेक्टर को। जैसे कि सबसे बेहतर एग्जांपल है सब्सिडी, क्या जरूरी है सरकार को सब्सिडी देने की, लेकिन सरकार देती है, प्राइवेट सेक्टर को सब्सिडीज देती है अलग अलग चीजों पे। इसके बाद में क्या है कि जो प्राइवेट इनकम है ये सिर्फ ट्रांसफर पेमेंट ऑफ गवर्नमेंट से नहीं चलता, बल्कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से भी इसको ट्रांसफर पेमेंट्स आते हैं। जैसे किसी कंट्री से हमने अच्छा रोजगार किया और उस कंट्री ने खुश होकर 20 करोड़ का बोनस अलाउंस दे दिया, तो ये बोनस अलाउंस क्या है, ये हमारे ट्रांसफर, ये हमारे फैक्टर सर्विसेज के बदले में तो दिया नहीं है उन्होंने यूनिलैटरली दिया है, बिना किसी सर्विसेज के दिया है। तो कई दफा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से भी ट्रांसफर आते हैं, तो यहां पर लिखेंगे करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से भी कई दफा ट्रांसफर पेमेंट्स आते हैं। तो अब देखिए डोमेस्टिक इनकम में हमने पढ़ा कि प्राइवेट इनकम भी होता है और गवर्नमेंट के भी, गवर्नमेंट सेक्टर का भी इनकम होता है। और अब यहां पर क्या है कि हम प्राइवेट इनकम में पढ़ रहे हैं कि प्राइवेट इनकम में कितने सारे इनकम होते हैं। तो जो हमने NDP वाला पार्ट पढ़ा उसमें प्राइवेट इनकम का सिर्फ वो पार्ट था जो हमने फैक्टर सर्विसेज के बिहाफ में कमाया था, जो कि ये था सिर्फ। और अब क्या है कि हम प्राइवेट इनकम देख रहे हैं कि एक्चुअली में हमारा जो बिजनेस है, हमारा जो इंडस्ट्रीज है, उसने एक्चुअली में कितना कमाया है, चाहे वो मेहनत से कमाया हो, बिना मेहनत से कमाया हो, कैसे भी कमाया हो। तो हमने इसके लिए इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू प्राइवेट सेक्टर में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ा, कि बाहर से जो हमारी इनकम आई है फैक्टर इनकम, उसके साथ में हमने नेशनल डेप्ट इंटरेस्ट दिया कि हमने सरकार को कोई लोन दिया है तो सरकार ने उस पर हमको ब्याज देगी, यहाँ पे हमने नेशनल डेप्ट इंटरेस्ट जोड़ दिया। डेप्ट इंटरेस्ट के बाद में करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट, गवर्नमेंट भी कई दफा ट्रांसफर पेमेंट देती है तो उसको भी हमने जोड़े हैं कि भाई हमारी इनकम तो है ना। उसके बाद में करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो पैसा हमको आ रहा है उसको भी जोड़ते हैं। इन सबको जोड़ेंगे तो आपका आएगा प्राइवेट इनकम। अब देखिए प्राइवेट इनकम के बाद अपन पढ़ते हैं पर्सनल इनकम पर। प्राइवेट इनकम मैंने आपको क्या बताया कि हमारी कंपनी की इनकम, पर्सनल इनकम मतलब हमारी इनकम। अब देखिए कि जो कंपनी की इनकम है क्या वो पूरी की पूरी हमारी इनकम हो जाती है, नहीं होती है, हो जाती है, नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है। कैसे नहीं होती है कि कंपनी को बहुत सारा खर्चा भी तो रहता है, कंपनी को बहुत सारा खर्चा तो ठीक है, कंपल्सरी पेमेंट्स रहता है। जैसे कि पर्सनल इनकम में अपन देखते हैं, पर्सनल इनकम का मतलब हुआ इनकम अर्न्ड बाय द रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री,
इसमें जैसे प्राइवेट इनकम में क्या था कि कंपनी ने कितना कमाया और पर्सनल इनकम में क्या है कि हमने कितना कमाया। तो देखिए पर्सनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तो आप प्राइवेट इनकम कैलकुलेट कर लो कि हमारी कंपनी ने जितना कमाया उसमें से जितना हमको दिया वो हमारी इनकम है। तो सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले आप प्राइवेट इनकम कैलकुलेट कर लो। प्राइवेट इनकम कैलकुलेट करने के बाद में कुछ कंपलसरी पेमेंट्स होते हैं, जैसे कि प्राइवेट इनकम के बाद कंपनी को क्या करना पड़ता है, कॉर्पोरेट टैक्स देना पड़ता है। कंपनी क्या करती है, कॉर्पोरेट टैक्स देती है, मतलब सरकार को टैक्स देती है। वो सही है कि कंपनी ने सरकार से यूनिलैटरल पेमेंट लिया, लेकिन सरकार को देना भी पड़ता है यूनिलैटरल पेमेंट। तो प्राइवेट इनकम में कॉर्पोरेट टैक्स घटाया जाता है। हमारी प्राइवेट इनकम हुई 1,00,000 रुपए की, तो क्या ये 1,00,000 का 1,00,000 आपको मिल जाएगा? नहीं, 1,00,000 रुपए आपको कंपनी को टैक्स देना पड़ेगा कॉर्पोरेट टैक्स। सपोज करते हैं कि कंपनी ने 10,000 टैक्स दे दिया, तो क्या ये 90,000 का 90,000 आपको मिल जाएगा? मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। क्यों नहीं मिल सकता है भाई? तो कंपनी जो है, आप जानते हैं, आपने अकाउंट्स में भी पढ़ा है कि कंपनी बहुत तरह के रिजर्व्स क्रिएट करती है। कई बार कंपनी प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है, तो इसमें से अपन और क्या घटाते हैं, इसमें से अपन घटाते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। इसको अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बोलिए या फिर कॉर्पोरेट सेविंग्स बोलिए, है ना। कंपनी को क्या हुआ, सपोज करते हैं कि कंपनी ने इतना प्राइवेट इनकम 1,000 रुपए प्राइवेट इनकम कमाया, उसमें से 100 रुपए कंपनी ने टैक्स दे दिया, 900 बचे। तो 900 में से कुछ ऐसा प्रॉफिट, 900 प्रॉफिट है कंपनी का, तो कंपनी प्रॉफिट का सारा पार्ट, हर पार्ट दे नहीं देती है, उसमें से कुछ पार्ट कभी कभी बचा लेती है, रख लेती है कि हमको भविष्य में जरूरत पड़ेगा तो हम इसका इस्तेमाल कर लेंगे। तो यही है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो ये हुआ पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए पहले प्राइवेट इनकम कैलकुलेट कीजिए, उसमें कॉर्पोरेट टैक्स घटाइए, उसमें सारे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स वगैरह घटाइए, कॉर्पोरेट सेविंग्स, इसी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को कॉर्पोरेट सेविंग्स कहते हैं। अगर आप अपने हिसाब से देखें तो ये प्रॉफिट है जो आपको नहीं मिला, अगर आप कंपनी के हिसाब से देखें तो ये कंपनी की सेविंग है जो उसने बचा लिया। तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कॉर्पोरेट सेविंग्स, इन सब चीज़ों को डिडक्ट करते हैं प्राइवेट इनकम में से, तो पर्सनल इनकम निकल जाता है। अब पर्सनल इनकम के बाद एक लास्ट छोटा सा कंसेप्ट आता है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, अब देखिए पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम के लिए सबसे पहले तो आपको पर्सनल इनकम कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा भाई? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का मतलब है कि वैसा पर्सनल इनकम, मतलब वैसा आपका इनकम जिसको आप खर्च कर सकते हैं। तो अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई कंपनी ने 1,00,000 कमाए और उसमें से कंपनी ने मुझे 80,000 दिया, तो मैं तो इस पूरा का पूरा 80,000 खर्चा कर सकता हूँ। लेकिन नहीं, आप नहीं कर सकते 80,000 का 80,000 खर्चा। इस 80,000 में आपकी भी कंपल्सरी लाइबिलिटी है जिसको आपको पे करना पड़ेगा। जब तक आप उस कंपल्सरी लाइबिलिटी को पे नहीं करेंगे तब तक आप मतलब लाइबिलिटी फ्री नहीं होंगे। तो ये 80,000 जो कंपनी ने आपको दिया, ये आपका पर्सनल इनकम था। पर्सनल इनकम से पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम पे जाने के लिए आपको कुछ कंपल्सरी पेमेंट्स को हटाना पड़ता है, जैसे पर्सनल टैक्स। चलिए सरकार को टैक्स दीजिए, बिना टैक्स के काम कहाँ चलेगा। तो आपको क्या है, आप उसके अलावा भी कुछ रिसीट्स होती हैं, मिसलिनियस रिसीट्स, है ना। जैसे सरकार का कुछ बिजली बिल बकाया है वो आपको देना पड़ेगा, अलग अलग छोटे 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 खर्चे होते हैं। तो आपने जो इनकम कमाया उसमें से आपको टैक्स देना पड़ेगा सरकार को, और भी अगर कुछ मिसलिनियस रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट है तो उन रिसीट्स का भी पेमेंट आपको करना पड़ेगा। अनलेस एंड अंटिल, जब तक आप उस रिसीट्स का पेमेंट नहीं करेंगे तब तक आपका जो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है ये कैलकुलेट नहीं होगा। ये प्राइवेट रिसीट्स नहीं है, मिसलिनियस रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को हमको कुछ पेमेंट्स करना पड़ता है, जैसे एक्चुअली वो टैक्सेस ही हैं, जैसे कि टैक्स इसका नाम है, उसके बाद में आपको टोल प्लाजाज पे आप देते हैं, वो सारी चीज़ें जो देते हैं वो सारी मिसलिनियस रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं। तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कैलकुलेट करने के लिए आपको पर्सनल इनकम कैलकुलेट करना है, उसमें से पर्सनल टैक्स घटाइए, मिसलिनियस रिसीट्स घटाइए, और आपका पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम आ गया। तो आपने देखा कि NDPFC का दो पार्ट, इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट सेक्टर, इनकम फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर पूरा ग्रॉस अगर निकालना है तो उसमें 5 चीज़ें जोड़ते हैं अपन, सारे डायरेक्ट ट्रांसफर, सारे ट्रांसफर्स और सारे फैक्टर पेमेंट्स, फैक्टर इनकम्स, उस तरह। उसके बाद आपने देखा प्राइवेट सेक्टर की इनकम के बाद में कि पर्सनल इनकम कितना है, हमको कितना मिल रहा है, वो तो हमारी कंपनी ने कमाया, हमने कितना कमाया। और उसके बाद आपने देखा कि हमने तो इतना कमाया उसमें से हम खर्च कितना कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा रिलेटेड एग्रीगेट्स वाला जो पॉइंट है वो ख़त्म होता है, और इसके बाद एक दो वीडियोस और आएंगी जिसमें मैं आपसे तीनों मेथड्स डिस्कस करूँगा,
कुछ न्यूमेरिकल्स अगर कर चाहें करना चाहें तो अपन कर सकते हैं, लेकिन वो आपके सेल्फ प्रैक्टिस की चीज है। हालांकि एक दो न्यूमेरिकल्स मैं यहाँ पर डील करूंगा। तो आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, अब बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो रही होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक बड़ा थम्सअप दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सवाल या सुझाव उनसे कमेंट बॉक्स में पूछिए, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल बिल्कुल मत भूलिएगा, और घंटा को दबाना, बेल आइकन को दबाना तो और भी मत भूलिएगा, बिकॉज कोई भी नोटिफिकेशन नहीं जाएगी जब तक आप बेल आइकन नहीं दबाते हैं। तो सीखते रहे तब तक, सीखना बंद तो जीतना बंद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, स्टे अहेड, बाय बाय।